उन दुनियादारों ने जिन्हें हम काफर कहते हैं, मुशरक कहते हैं, बेदीन कहते हैं, जन्मी कह कह के थकते नहीं हैं, उन्होंने आलमी खल्क को प्रैक्टिकली एक एतबार से किसी दर्जे में तय कर लिया। झूठ छोड़ दिया, फ्रॉड छोड़ दिया, जुल्म छोड़ दिया, बददियानती छोड़, काम तोड़ना बंद कर दिया। और वो जिसको एक ज़ाहरी तहजीब याफ्ता जेंटलमैन इंसान कहते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जांच लिया कि जो जुरत करेगा, मेहनत करेगा, तहकीक करेगा, जस्तजू करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो वो दुनियावी और मादी लिहाज से तरक्की कर देगा। ये कानून फितरत है। लई सलील इंसानी लमासा इन्नल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम। तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप आप अपनी हालत के बदलने का। हम लोग कलमा पढ़ने वाले या मुसलमान जो हमें अल्लाह ने ये नेमत दी है, हम उसको जहरी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं कर सके। देखो ना, सरकार ने कहा कि ला यू मेनो, हाँ, अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिल लिसानी व यदेही। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे। तो हम जुबान से भी तकलीफें दे रहे हैं, हाथों से भी। अभी तो हम मुसलमानी की जो जहरी डेफिनेशन पे नहीं पूरे उतरे। सरकार ने फरमाया मोमन वो है कि जिससे दूसरे इंसान की जान माल और इज्जत अमन में रहे, वो भी नहीं। तो मालूम हुआ कि हम आलम खल्क की भी अली शायद अलिफ बाता सा भी नहीं तय कर सके। वो हमजा नून लाम नून वाओ या तक तो बहुत अगली बात है।